ऐतिहासिक बजट आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में दिया गया। बजट की जो खूबियाँ रही वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा बताते हैं कि चार जातियों को ध्यान में रखकर के दिया गया, मुख्यतः युवा, महिला, किसान, चरम गरीब। ऐसा कोई भी वर्ग वंचित न रहे एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दिए हुए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज तक का देश आजादी के बाद में 4,90,000 करोड़ का ये जो ऐतिहासिक बजट राजस्थान प्रदेश की जनता को दिया गया है, इसकी प्रदेश की जनता तो तारीफ कर ही रही है, साथ में सदन के अंदर भी विपक्ष के कई नेताओं ने खुली तारीफ इस बजट की करी है। ऑफ द रिकॉर्ड तो कई एमएलए इसकी तारीफ कर रहे हैं विपक्ष के, लेकिन चूंकि वो विपक्ष की भूमिका में है उनको कुछ ना कुछ बोलना भी है। बजट के अंदर जालौर जिले को भी 882 करोड़ का बजट जालौर जिले को दिया गया है, जिसके अंदर यदि अपन चर्चा करें तो पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग को लगभग 95.15 करोड़ तो सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिए जाते हैं, पीएचडी तो जल जीवन मिशन अमृत 2 अभियान के तहत लगभग 577.37 करोड़। आगे आने वाले समय में जल जीवन मिशन के जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार की रूखे रवैये की वजह से प्रदेश की जनता ने भुगता, लेकिन अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो ये कार्य बहुत ही तेज तीव्र गति से होने वाला है। शिक्षा विभाग द्वारा भी आवासीय विद्यालय व जनजाति छात्रावास के ये 44.5 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 80.92 करोड़ एवं डिस्कॉम द्वारा 104.17। जैसा कि बिजली को लेकर के आप लोग सब मीडिया जगत से जुड़े हुए बंधु हैं, आने वाले 3 वर्षों के अंदर राजस्थान प्रदेश बिजली